महाशिवरात्रि के मौके पर शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने घर से करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर कोटेश्वर मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो ग्वालियर के लोगों के विकास और बेहतरी के लिए बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे हैं। देश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज महाशिवरात्रि के मौके पर पैदल पैदल लोगों के साथ में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, पैदल पैदल हम लोगों के साथ में दर्शन करने जा रहे हैं? आज भगवान कोटेश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य महाशिवरात्रि के पर्व पर मिला है। उनके दर्शन करूंगा, कामना करूंगा कि हमारा शहर, प्रदेश, देश में ऐसे ही खुशहाली बरसाते रहे। सवाल यह है कि मंत्री, आप चाहे तो वीआईपी दर्शन भी कर सकते थे, लेकिन आम लोगों की तरह पैदल पैदल जा रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या मकसद है? मैं भी आम हूँ, इन्होंने ही मुझे मंत्री बनाया है, इनके बीच इनका सेवक हूँ। इनके बीच में जो आनंद मिलता है, जो शक्ति ऊर्जा मिलती है, इसके कारण मैं इस लायक हूँ आज। क्या कहेंगे इस बार 2023, क्या 2023 के लिए क्या मांगने वाले विधानसभा चुनाव में? 2023 में भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि इस शहर और प्रदेश और देश की प्रगति हो। की तरह दर्शन करने के लिए निकले हैं, लाइन में लग रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर दर्शन करेंगे। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।